जय माँ चामुंडेश्वरी। माँ चामुंडेश्वरी शक्तिपीठ 18 शक्तिपीठों में से एक है, जो 18 प्रथम शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ है ये माता का, और ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है, मैसूर हिल के ऊपर। अब हम मैसूर जा गए माँ कावेरी नदी में स्नान करने के बाद, और माँ के दर्शन और श्री चक्र की पूजा अभिषेक करने के बाद, अब ये राजू जी हैं, उनके दोस्त, और ये हमारे भैया जी आगे बैठे हैं, रात से ही ड्राइविंग कर गए हैं, भक्त इंसान है। चामुंडेश्वरी माँ के दर्शन करेंगे आज, तो पूरे दिन बाद दर्शन ही दर्शन होगा, जितना भी हो सकता है मैक्सिमम। तो फिर शायद हो सकता है गुरुवार, और जहाँ पे जिसे वैकुंठ बोलते हैं, भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, यानी विष्णु विराजमान है, और शास्त्र में उसका नाम काफी प्रचलित है, वैकुंठ के नाम से जाना जाता है वो जगह, तो काफी पवित्र है, केरल में पड़ता है। तो हम मैसूर क्रॉस करते हुए कर्नाटका से सीधे गुरुवायर जाएंगे, गुरुवायर यानी केरल में पड़ता है, फिर देखेंगे केरला, तो फिर तिरछी जाएंगे, केरला। ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಮೊಗ್ರಾಮ್ ಪಚಾಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನನಗ ಬೋಲೆ ಜಾ ಮೊಗ್ರಾಲ ಅಯ್ಯಾ चामुंडेश्वरी के दर्शन आपको भी कराएंगे। और हम पहुंच चुके हैं अब, फूल चुन्नी फल जो भी था ले चुके हैं। महा 18 महाशक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है ये, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, कर्नाटका के मैसूर में स्थित है ये। चामुंडेश्वरी मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में महल शहर मैसूरू से लगभग 13 किलोमीटर दूर चामुंडी पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है।
मंदिर का नाम चामुंडेश्वरी या शक्ति के उग्र रूप के नाम पर रखा गया था। मैसूरू के महाराजा द्वारा सदियों से श्रद्धा में रखी गई एक संरक्षक देवता चामुंडेश्वरी को कर्नाटक के लोग नाडा देवी नौ कहते हैं, जिसका अर्थ है राज्य देवी। यह औसत समुद्र तल से लगभग 3,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने इस पहाड़ी की चोटी पर राक्षस राजा महिषासुर का वध किया था, जिस पर उसका शासन था। इस स्थान को बाद में महिशुरु महिष का स्थान के नाम से जाना जाने लगा। अंग्रेजों ने इसे मैसूर में बदल दिया और बाद में मैसूर में कन्नड़ बना दिया। चामुंडेश्वरी मंदिर को शक्ति पीठ और 18 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसे क्रौंच पीठ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पौराणिक काल में इस क्षेत्र को क्रौंचपुरी के नाम जाना जाता था। कहा जाता है कि यहां सती के बाल गिरे थे। चामुंडी हिल्स मैसूर के सभी कोनों से देखा जाने वाला चामुंडी हिल्स समुद्र तल से लगभग 3,489 फीट की ऊंचाई के साथ प्रमुखता से खड़ा है। ये पहाड़ियां मैसूर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये पहाड़ियां मैसूर शहर से करीब 800 फीट ऊपर हैं। इन पहाड़ियों का उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों जैसे स्कंद पुराण में किया गया है। इन ग्रंथों में त्रिमुता क्षेत्र नामक स्थान का उल्लेख है। यह स्थान 8 पहाड़ियों और उनमें से एक में चामुंडी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहले पहाड़ी को महाबलेश्वर मंदिर के नाम पर महाबली के नाम से जाना जाता था, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह पहाड़ियों पर सबसे पुराना मंदिर भी है। बाद में देवी चामुंडी के बाद पहाड़ी को चामुंडी हिल्स के नाम से जाना जाने लगा। जब चामुंडी पहाड़ियों पर पर्यटक मैसूर का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। पर्यटक मैसूर पैलेस, दशहरा प्रदर्शनी मैदान, ललिता महल पैलेस आदि की एक झलक देख सकते हैं। ऐसे लोग बैठ के खाते थाली में। पोंगल पोंगल मिलता है। पोंगल दे रहे हैं। पोंगल दे रहे हैं। चलो इधर से हम भी खाते हैं पोंगल। माँ का आज यही भोजन करते हैं। मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में माँ की यही खाना बनाया है। पोंगल है ये आज से अपनी रथ यात्रा के लिए हर महीने के पवित्र दिन पे कोई ना कोई रथ यात्रा निकलती रहती है। आज भी कोई पवित्र दिन है माँ का, तो आज भी रथ यात्रा निकलने वाली। अभी जब रथ यात्रा नजर आता है तब आप और यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, और इसी के सामने एक म्यूजियम है, और भी हम आपको म्यूजियम दिखाते हैं अंदर से, फिर भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। ओके, संग्रहालय बिल्कुल मंदिर के पास है, तो मैंने सोचा क्यों ना इधर भी आऊँ। गोल्डली म्यूजियम म्यूजियम है वर्मा फोटोग्राफी स्टेटली आंतरिक भाग है। तो वही चलते माँ का बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन बहुत जरूरी माने जाते हैं, तो अब भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, जो यहीं से कुछ ही दूरी पे स्थित है माता का मंदिर।
महाबलेश्वर, महाबलेश्वर टेम्पल, महाबलेश्वर टेम्पल, महाबलेश्वर ही भगवान शिव के भैरव, माता के भैरव हैं। महाबलेश्वर टेम्पल, महाबलेश्वर टेम्पल, पता चल गया। ये प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है ये सेक्शन। इस मंदिर परिसर में भैरव बाबा का टेंपल और इसकी कलाकृति अद्भुत है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है मंदिर कॉम्प्लेक्स में, और मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। आप धैर्य से देखिए, दर्शन कीजिए। तो बहुत बड़ा शक्तिपीठ है ये। ना ना, वो ले जाने की क्या बात है, अपने तो नहीं, हम तो माँ ने बुलाया है, जितना दर्शन था हो गया। माँ ने दर्शन दे दिया, वहाँ से साक्षात वीडियो कर दो। चाहिए क्या? वो माँ आदि शक्ति का शक्तिपीठ है। यस, ये दक्षिणा मूर्ति, गुरु दक्षिणा मूर्ति, गुरु दक्षिणा मूर्ति देखते हैं। गुरु दक्षिणा मूर्ति के दर्शन आप लोगों को भी कराते हैं। इनका क्या महत्व है? ये दक्षिणा मूर्ति के गुरु होता है ना, आप उसको हल्दी फूल, हल्दी ये पीले फूल, हाँ पूरा हल्दी गुरु का ये होता है। हर मंदिर में गुरु दक्षिणा मूर्ति एक ये रहता है, गुरु दक्षिणा मूर्ति रहता है। हाँ, वो इस तरफ का रहता है, उसका तो उत्तर साइड में होता है, उत्तर में दक्षिण साइड में होता है। और इधर क्या है? ये शिवलिंग है, वामदेवा। हाँ, शिव का नाम है वामदेवा सद्योजता। हाँ, अघोरा। हाँ, देखो तो ईशान्य सब कन्नड़ में है ना, कन्नड़ पर शिव का ये नाम अलग अलग है। और ये क्या है? ये दुर्गा देवी, दुर्गा देवी। ये चंडिका, चंडिका, चंडिकेश्वर स्वामी, चंडिकेश्वर स्वामी है ना। हाँ, चलो ठीक है। यही तो अभी दर्शन तो वहीं से करके आए हम। हाँ, बस भैरव बाबा के दर्शन करने थे, वो हो गए। अच्छा, यज्ञशाला यहाँ हवन होता है। हाँ, अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ है? वो ऐसे मंडप के लिए बस, यज्ञशाला। माँ चामुंडेश्वरी का मंदिर, अरे बहुत अच्छा आ गया यहाँ से तो। देखो, हाँ ये देखो, गजब। देखो श्री महाबालेश्वर टेम्पल, और राजू जी आज हमारे साथ हैं, देख लीजिए, पहचान लीजिए इनको। गुरु जी ने मेरे को बादामी गंजरी से, ये कहाँ है महालक्ष्मी का मंदिर, देखते हैं। इसी के चामुंडेश्वरी परिसर में है। हाँ, नहीं और क्या, गाड़ी में बैठ के सोएंगे उतने, वो भी ठंड में लगा है। चलो ऐसा जाना, ऐसा जाके लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण। ये देखिए, ये महाबालेश्वर शिव का मंदिर बैठा था ना, वो लोग पूरा इधर आया थे। लोगों को पता है? हाँ, वो लोग इधर का लोग रहते हैं ना। हाँ, वो लोग हमें पता नहीं है। हाँ, माँ इसलिए के लिए बेटा है। देखो उधर उधर गया था, उधर से अभी आके शिव का दर्शन हो गया, इससे ये जिसका लक्ष्मी नारायण का दर्शन हो गया। हाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर।
ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है पूरी परिक्रमा कर ली हमने, हम अब पीछे से जा गए। ये पूरी परिक्रमा, इसमें माँ चामुंडेश्वरी का मंदिर, शिव का मंदिर भैरव बाबा का और लक्ष्मी नारायण का मंदिर दोनों है।